महंगाई से बड़े बड़े अब बच्चे भी परेशान दिख रहे हैं। यकीन ना हो रहा हो तो ये खबर देख लीजिए। मामला कन्नौज जिले का है, जहां पहली क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने पीएम मोदी के नाम एक पत्र लिखा जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महंगाई को लेकर महंगाई डायन खाए जात है जैसी फिल्मी गानों में आम आदमी के दर्द को समझा जा सकता है। जब महंगाई ने बड़ों से लेकर बच्चों तक सब पर बराबर का असर डाला है। महंगाई से परेशान होकर कन्नौज की एक बच्ची ने पीएम मोदी को एक लेटर लिख दिया। बच्ची ने अपने पत्र में पेंसिल रबड़ से लेकर मैगी तक के दामों में बढ़ोतरी का जिक्र किया है और बच्ची की ये चिट्ठी लोगों को खूब पसंद आ रही है। मोदी जी को किस लिए लिखा? पेंसिल रबड़ और सब सस्ते हो जाए। और क्या चीज, फेवरेट चीज क्या है तुम्हारी? मैगी। उसके लिए भी लिखा है? हाँ। मैगी में क्या दिक्कत है? मैगी में ये दिक्कत है कि एक दिन हम मैगी लेने गए तो 5 रुपए की मैगी उसने 7 रुपए की दी। 2 रुपए बढ़ा दिए? हाँ। घर में तुम्हें क्या लगता है, क्या कहते हैं मम्मी पापा? मैं ये कहती है कि रोज पेंसिल दिन रोज एक पेंसिल देना पड़ता है। तो पेंसिल कहाँ चली जाती है आपकी? चोरी हो जाती है। चोरी हो जाती है स्कूल में? हाँ। तो रोज घर में आप पेंसिल मांगती हैं? हाँ। तो मम्मा क्या कहती हैं? रोज पेंसिल दो एक एक। यूपी के कन्नौज जिले स्थित छिबरामऊ निवासी कीर्ति दुबे सुप्रभाष एकेडमी में कक्षा 1 में पढ़ती हैं। हाल ही में कॉपी किताबों, रबड़ और पेंसिल सब महंगी हुई हैं। उससे परेशान होकर छात्रा कीर्ति दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने मन की बात और मम्मी का गुस्सा दोनों को साझा किया है। पीएम को लिखी चिट्ठी में बच्ची ने लिखा कि मेरा नाम कीर्ति दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मोदी जी, आपने बहुत महंगाई कर दी है, यहाँ तक पेंसिल रबर तक महंगी कर दी है और मेरी मैगी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर डांटती हैं, मैं क्या करूं, दूसरे बच्चे मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। इसी चिट्ठी को परिवार ने पोस्ट कर दिया है। कृति की माँ आरती दुबे बताती हैं कि उन्होंने टैक्स बढ़ने के बाद घर पर इसकी चर्चा की। बेटी कृति इसे सुनती रही। बेटी ने अपनी बात पत्र के रूप में कॉपी पर लिख कर रख ली। रात में पिता के आने पर उन्हें पढ़ाया। वो बेटी की लिखी बातों को पढ़कर हंसने लगे। बेटी ने इसे प्रधानमंत्री जी को भेजने की जिद की। बेटी ने लिखा है कि महंगाई को लेके थोड़ा रबर पेंसिल महंगी हो गई है। एक्चुअली हम लोग बात करते हैं कि टैक्स बढ़ गया है, इस वजह से अभी जल्दी में ही मोदी जी ने टैक्स लगा दिया है बहुत सारी चीज़ों पे, उसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे। तो बच्ची ने सुना तो उसके मन में आया क्यों ना हम मोदी जी को एक पत्र लिखें। तो उसने और उसमें पत्र में ये लिखा है कि जब पेंसिल और रबड़ मांगते हैं तो मम्मी जो है डांटती भी है, वो क्या मामला है? वो थोड़ा जो डेली अगर खो देती हैं पेंसिल, न्यू इन्हें डेली चाहिए पेंसिल, डेली खोके आ जाएंगी, फार्प कर डालती हैं, तो कभी कभी डांट भी पड़ जाती है इनकी, क्योंकि ये डेली इन्हें न्यू पेंसिल चाहिए है। देश में महंगाई की मार से हर कोई बेहाल है, क्या आम और क्या खास। महंगाई ने हर किसी की कमर तोड़ रखी है। इसी सब को सुनकर नन्ही बच्ची के मन में पीएम को पत्र लिखने का विचार आया और अब ये पत्र सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। हिमांशु तिवारी, जीएमडी न्यूज, कन्नौज।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।